हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑटो कंपैरिजन के एक और एपिसोड में। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, टाटा ने लॉन्च कर दी अपनी एक जबरदस्त मिनी एसयूवी जिसका नाम है टाटा पंच। और ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद सीधा सबसे बड़ा कंपटीशन देने वाली है मारुति सुजुकी स्विफ्ट से। और आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों ही जबरदस्त गाड़ियों के बीच में और जानते हैं क्या पंच जीतता है या स्विफ्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपैरिजन को। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन की बात करेंगे। टाटा पंच, इस गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है वो है अल्फा आर्क आर्किटेक्चर। ये वही आर्किटेक्चर है जिस पे एल्ट्रॉस को बनाया गया है, मतलब कि एल्ट्रॉस वाली मजबूती आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जाहिर सी बात है, सेम स्ट्रक्चर होने के बाद इसकी जो सेफ्टी रेटिंग वो 4 से लेके 5 स्टार के बीच में आ सकती है। वहीं बात करूँ मैं स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट को बनाया गया है हार्ट एक्ट प्लेटफॉर्म पर। ये इतनी सुव्यवस्थित है कि जब इसे सेफ्टी रेटिंग में भेजा गया तो इस गाड़ी को मिले 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। बात करेंगे डाइमेंशंस की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और आपके डिस्प्ले पे ये तीनों दिख रही होगी। जहां पर हम लंबाई के मामले में बात करते हैं, तो लंबाई के मामले में जो स्विफ्ट है वो पंच के मुकाबले 18 mm ज्यादा लंबी है। चौड़ाई की बात करते हैं, तो चौड़ाई के मामले में जो टाटा की पंच है वो स्विफ्ट के मुकाबले 7 mm ज्यादा चौड़ी है। और अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, तो हाइट के मामले में जो पंच है वो स्विफ्ट से 85 mm ज्यादा ऊंची है। अगर हम लुक्स की बात करते हैं, तो लुक्स वाइज किसी को टाटा पंच पसंद आ रहा होगा तो किसी को स्विफ्ट पसंद आ रहा है। अगर आप मेरे ओपिनियन से देखें तो मुझे पर्सनली टाटा पंच का डिजाइन ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। और स्विफ्ट की बात करूं तो स्विफ्ट का भी डिजाइन बहुत अच्छा है। बात करते हैं बूट स्पेस की, तो यहाँ पर टाटा पंच में काफी इंप्रेसिव बूट स्पेस देखने को मिलता है, वह है दोस्तों 366 liters का। वहीं मैं स्विफ्ट की बात करता हूं, तो इस गाड़ी में आता है 268 liters का बूट स्पेस। ग्राउंड क्लियरेंस आपको टाटा पंच में 187 mm का और स्विफ्ट में 170 mm का देखने को मिलता है। व्हील बेसिस की बात की जाए, तो आपको पंच में 2445 mm का व्हील बेस और स्विफ्ट में 2450 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है। यहां पर कुछ चीज़ें और हाईलाइट देखने को मिलेगी, जो टाटा पंच है इसके अंदर एल्ट्रॉस की तरह 90° का ओपनिंग डोर देखने को मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ डिजाइन, कौन सी गाड़ी में आपको ज्यादा फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, ज्यादा स्पेस देखने को मिल रहे हैं, तो हम बात करें तो इस मामले में टाटा की जो पंच है वो थोड़ी सी आगे निकल जाती है। बाकी व्हील बेस में 5 mm आपको ज्यादा व्हील बेस स्विफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल किस गाड़ी का आपको डायमेंशन एंड डिजाइन पसंद आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं अपने सेकंड एस्पेक्ट इंजन की तरफ। इंजन की बात करूं तो टाटा पंच में दोस्तों दिया गया है 1.2 liter का रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन। यह इंजन 3 cylinder का इंजन है जो कि पावर जनरेट करता है 84 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में दो प्रकार के ड्राइविंग मोड्स भी दिए गए हैं। गाड़ी में 5-speed का मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आता है, और प्लस इसमें एक ट्रैक्शन प्रो मोड भी देखने को मिलता है जो कि ऑफरोडिंग के समय थोड़ी बहुत आपकी हेल्प कर देगा। और ये जो फीचर है ये पहली बार इस सेगमेंट में नजर आया है। साथ ही साथ आपको इस गाड़ी में क्रूज कंट्रोल का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। बात करते हैं हम लोग स्विफ्ट की, तो स्विफ्ट में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा 1.2 लीटर का के सीरीज डुअल जेट पेट्रोल इंजन। ये एक 4 cylinder इंजन है जो कि पावर आउटपुट जनरेट करता है 88 bhp का विद अ टॉर्क ऑफ 113 Nm टॉर्क। गाड़ी में 5-speed का मैनुअल और 5-speed का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और ऑटोमेटिक वेरियंट में इसमें आपको हिल होल्ड एंड ESP का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बात करें क्रूज कंट्रोल का भी सपोर्ट स्विफ्ट में दिया गया है। तो अगर हम दोनों गाड़ियों के इंजन की बात कर रहे हैं, तो इंजन किसका ज़्यादा आपको रिफाइन देखने को मिलता है, तो 4 cylinder इंजन आपको स्विफ्ट में देखने को मिल रहा है, और पावर भी आपको स्विफ्ट में 4 bhp ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इंजन के मामले में बात कर लें तो थोड़ी सी डिफरेंस से ही सही जो स्विफ्ट है वो थोड़ी सी आगे निकल जा रही है इस मामले में। आपको किस गाड़ी का इंजन ज़्यादा अच्छा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको पंच में ड्राइविंग मोड्स के एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं हम लोग अपनी थर्ड एस्पेक्ट, वो है माइलेज के मामले में। दोनों गाड़ियों में दोस्तों जो फ्यूल टैंक है वो 37 liters का दिया गया है। जहां पर हम टाटा पंच की बात करें तो इसकी माइलेज दोस्तों वो करीबन 20 से लेकर 22 तक का मिल जाएगा, और जो स्विफ्ट है ये भी आपको करीबन 20 से 22 तक का माइलेज निकालेगी। तो दोनों का जो इंजन क्वालिटी वो लगभग सेम है, तो माइलेजेस भी कहीं ना कहीं सेम है। सिटी गियर में बात करूं, अपने हिसाब से मैं एक्सपेक्टेशन बताता हूं, तो गाड़ी आपको कहीं से कहीं 14 से लेकर 18 तक का इन सिटी माइलेज निकाल देगी दोनों गाड़ियां। तो माइलेज के मामले में ठीक ठाक है, दोनों अच्छी गाड़ियां हैं। बात करते हैं हम लोग इन्फोटेमेंट्स की। इन्फोटेमेंट में दोस्तों टाटा पंच में दिया गया है 7-inch का हार्मन का इन्फोटेमेंट सिस्टम। एंड्रॉयड ऐप पर 4 speaker देखने को मिलते हैं, और इसमें आपको ईरा की ऐप कनेक्टिविटी भी देखने को मिल जाती है, और इंटीरियर वाइज बहुत अच्छा लग रहा है। और इस बार दोस्तों टाटा पंच में इस्तेमाल किया गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो एल्ट्रॉस में आता है, और ये काफ़ी प्रीमियम फील देता है। अगर हम टियागो से कंपेयर कर रहे हैं तो ये काफ़ी बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। मैं स्विफ्ट की बात करता हूँ, तो स्विफ्ट में दिया गया है 7-inch का टच इन्फोटेमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऐप पर कारप्ले, नेविगेशन, 4 speaker इसमें आ जाते हैं। तो कौन सी गाड़ी का इंटीरियर आपको ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बात करते हैं दोस्तों हम सेफ्टी के नज़रिए से।
सेफ्टी की बात करें तो देखिए टाटा पंच को बनाया गया है अल्फार का आर्किटेक्चर में और इस गाड़ी का अभी तक कोई खास सेफ्टी रेटिंग हुआ नहीं है तो कुछ कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे क्या लगता है, मैं 99.9% कह सकता हूँ कि इस गाड़ी को 4 नहीं तो 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिल जाएगी। और मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो ये गाड़ी बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि इस गाड़ी को मिले है 0 स्टार की सेफ्टी रेटिंग। बात करते हैं कुछ फीचर्स की। फीचर्स की बात करो तो ABS, EBD, 2 एयरबैग्स, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, रियर पार्किंग कैमरा, ये जो बेसिक वाले फीचर होते हैं वो दोनों गाड़ियों में दिए गए हैं। ब्रेक्स की बात करूँ तो फ्रंट में डिस्क, पीछे के ट्रम रब ब्रेक्स आ जाते हैं दोनों गाड़ियों में। तो आइए यहाँ पर इस वीडियो को एंड करते हैं और जानते हैं कौन सी गाड़ी में ज़्यादा दम और किस में ज़्यादा आपको अच्छा फीचर देखने को मिला है। तो देखिए अगर आप मुझसे पूछे कौन सी गाड़ी ज़्यादा मजबूत है, कौन सी गाड़ी ज़्यादा सेफ है, तो नो डाउट इट इज पंच, विच इज कॉल्ड टाटा पंच। अगर आप बात करें किसका इंजन ज्यादा पावरफुल है तो वह है दोस्तों स्विफ्ट। हालांकि ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4 BHP ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो है वो तो मुझे बताना पड़ेगा। अब बात करूं इंफोटेनमेंट की, तो इंफोटेनमेंट के मामले में मैं कहना चाहूंगा कि इसका डिजाइन दोनों का काफी टक्कर का है। किसी को पंच पसंद आ रहा होगा, किसी को तो स्विफ्ट, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप मुझे देखें तो मुझे पर्सनली पंच का डिजाइन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, एक बोल्ड SUV डिजाइन है। और एक और चीज बोलना चाहूंगा, भारत में रास्ते बहुत खराब होते जाना है दिन प्रतिदिन, कहीं पानी लगता है तो कहीं रास्ते खराब होते हैं, तो उस नजरिए से अगर मैं बात करता हूं तो उस नजरिए में पंच ज्यादा अच्छा है। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर आता है 187mm का ग्राउंड क्लियरेंस और इतना ही नहीं इसमें 370mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी भी आती है। मतलब कि अगर आपके शहर में पानी लग जाता है, पानी बरसने के कारण, जो कि आज के डेट में आम बात हो चुकी है, तो उसमें भी ये गाड़ी बहुत बेहतरीन परफॉर्म करेगी, जो कि एक SUV वाली ग्राउंड क्लियरेंस है। और भारत में SUV इसीलिए ज़्यादा बिक रही है क्योंकि लोगों को खराब रोडों को सामना करने के लिए एक SUV चाहिए। और मैं स्विफ्ट की बात करूँ तो स्विफ्ट का भी ग्राउंड क्लियरेंस इनफ है, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा पंच में है। और यहाँ पे एक और फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा, बूट स्पेस भी आपको पंच में ज़्यादा देखने को मिल रही है। सो इन टर्म्स ऑफ अगर हम ज़्यादा एक्सपेक्ट में बात करें तो वो फीचर आपको ज़्यादा टाटा पंच में ही देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं लास्ट चीज़ प्राइसिंग की। अब दोस्तों ये जो टाटा पंच है अभी तक इसकी कोई खास प्राइसिंग अनवील नहीं की गई ऑफिशियली, पर प्राइसिंग की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग कहीं ना कहीं इसकी 5 लाख से 8 लाख रुपये के बीच में वेरी करेगी। स्विफ्ट की बात करूं तो स्विफ्ट की एस यू नो इसका भी 5.5 लाख रुपए से लेके 9 लाख रुपीज के बीच में प्राइसिंग वेरी करेगी। जो इसका सारे वेरिएंट्स का डिटेल है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कितने मॉडल आए हैं, क्या प्राइसिंग है, पूरी वेरिएंट की एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में आ रही है। मेक श्योर वो वाला वीडियो देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब करना है इस चैनल को। और अगर आपको ये वाली कंपैरिजन अच्छी लगी हो तो वीडियो करिएगा 1 लाइक। और नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों गाड़ियों के हर एक मॉडल के बीच, पर्टिकुलर मॉडल के बीच कंपेयर लाएंगे। इस महीने आपको सारा जो वीडियो आएगी इस पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी इस एक चैनल पर। तो देखते रहिए ऑटो कंपेयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपने वाले फेवरेट को जरूर करें वोट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।